दोस्तों, पिछले साल झारखंड हाई कोर्ट की वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम 10 और 11 अगस्त को होने वाला है। इस पोस्ट के लिए कितने सीट हैं, कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था और कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। साथ ही साथ, जिन कारणों से कुछ कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, उनमें से ज़्यादातर कारण क्या हैं, इन्हीं सारी बातों को मैं बताने वाला हूँ। असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ये गलतियाँ कहीं आपने भी तो नहीं की है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले, बिहार और झारखंड के जॉब के इसी तरह के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए और जॉब प्रिपरेशन के लिए प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट में रिक्रूटमेंट के लिए 6 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कैशियर, टाइपिस्ट का एग्ज़ाम 10 अगस्त 2019 को होने वाला है। वहीं ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम 11 अगस्त को लिया जाएगा, जबकि असिस्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है, उसका एग्ज़ाम डेट 22 सितंबर को रखा गया है। असिस्टेंट को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बहुत ही जल्द इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। अब ये गलती बड़ी गलती है या फिर इसे इग्नोर किया जा सकता है, ये फुल्ली डिपेंड करता है झारखंड हाई कोर्ट के अथॉरिटीज़ पर। असिस्टेंट को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट के लिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, रोल नंबर क्या है, ये बताने से पहले झारखंड हाई कोर्ट ने ये बताया है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। अब हम लोग पोस्ट वाइज ये जानेंगे कि कितने सीट थे, कितनों ने अप्लाई किया और एग्ज़ाम के लिए कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए सिर्फ एक सीट है और ये जनरल कैटेगरी का सीट है। इसके लिए 414 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, लेकिन इसमें 261 कैंडिडेट्स को इसके एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, बाकी 153 कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि उन्होंने लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन नहीं किया है और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। इस पोस्ट के लिए लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन चाहिए था। कुछ कैंडिडेट्स के फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, उसका पिक्सल सही नहीं है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता। कैशियर के लिए सिर्फ एक सीट है और ये भी जनरल कैटेगरी का ही सीट है। इसमें टोटल 902 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जिसमें 715 कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, बाकी 187 कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। रीज़न वही सब हैं, इसके लिए कॉमर्स इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन चाहिए था, लेकिन वैसे कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया है जिसका कॉमर्स इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन नहीं है। जो सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है उसे पढ़ा नहीं जा सकता, वो क्लियर नहीं है। जिस फोटो को अपलोड किया गया है वो ब्लर है, सही से दिख नहीं रहा है। तीसरा पोस्ट है टाइपिस्ट का। इसमें जनरल के लिए 3, एसटी के लिए 1, BC1 के लिए 1 सीट है, मतलब टाइपिस्ट के लिए टोटल 5 सीट है। इसके लिए 1470 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें 395 कैंडिडेट्स के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए टोटल 1075 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। रिजेक्शन के कारण वही सब हैं, इसके लिए टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना था, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स ने टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। बाकी के जो दो पोस्ट हैं, ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर, इसमें किसी भी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट नहीं किया गया है, सभी के एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। ट्रांसलेटर के लिए एसटी में 1 सीट है, जिसके लिए 306 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जनरल कैटेगरी में 1 सीट है, जिसके लिए 503 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। जिस तरह इन सभी पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के लिस्ट एडमिट कार्ड रिलीज करने से पहले दिए गए हैं, उसी तरह असिस्टेंट के पोस्ट के लिए भी किया जाएगा। रिजेक्शन के जो ज़्यादा रीज़न है वो ये हैं कि रिक्वायर्ड एजुकेशनल सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं किया गया है, और जो सर्टिफिकेट अपलोड किए गए हैं उसका पिक्सल सही नहीं है, क्लियर नहीं है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता। जिस फोटो को अपलोड किया गया है वो ठीक से दिख नहीं रहा है, ब्लर है। 10th के सर्टिफिकेट की जगह 10th का एडमिट कार्ड
या कुछ और अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। तो ये कुछ कॉमन रीजंस थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि असिस्टेंट का एप्लीकेशन आपने सही से फिल किया होगा। अगर कहीं गलती की है तो अब ये झारखंड हाई कोर्ट के अथॉरिटीज़ पर डिपेंड करता है कि वो इसे इग्नोर करे या कोई एक्शन ले। बहुत ही जल्द और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। इस वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन से आपको अगर फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार और झारखंड के जॉब के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन से आप जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून।